तो भाई लोग यूएस मास्टर टी10 लीग 2023 का जो मैच नंबर 7 है ना, इस मैच में मॉर्सेबिल यूनिटी के सामने होगा अटलांटा राइडर्स। अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों की बात करें, दोनों ही टीमें कमाल की है, तो भैया आज का मैच क्या होगा, कौन सी टीम है जो मैच उड़ा के ले जाएगी और जीत का झंडा गाड़ेगी, आज की वीडियो में ना हम यही जानेंगे। बस अगर हम इस मैच की बात करें तो संडे 20 अगस्त इंडिया टाइम अनुसार 6:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं। यह मुकाबला खेला जाएगा लॉडर हिट फ्लोरिडा के मैदान पे। अगर हम यहाँ की पिच की बात करें तो थोड़ा सा सपाट है, बैटिंग के लिए बेहतर है, लेकिन जब बॉल पुराना हो जाता है, पिच थोड़ा सा यूज हो जाता है ना, तो जो स्पिनर्स गेंदबाजी है, जो तेज गेंदबाज है, जो ब्रेसन अच्छी करते हैं, नकल बॉल स्लोवर का इस्तेमाल करते हैं, उनको थोड़ा बहुत हेल्प करने लग जाता है। वैसे शुरुआत में जब तक बॉल नया होता है तो बैटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। तो भैया यहाँ के मैदान पे कौन सी टीम है जो अपना दमखम दिखाएगी और मैच उड़ा के ले जाएगी, चलो जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मॉर्सेबिल यूनिटी की। अगर बल्लेबाजी लाइनअप की बात करें तो अच्छे हैं, क्रिस गेल और पार्थिव पटेल इनके ओपनर है, लेकिन अभी तक अपने रंग में नहीं दिखे। मनविंदर बिस्ला भी अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं, लेकिन सिहान जयसूर्या की बात करें तो ये काफी ज्यादा बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। कॉरी एंडरसन की बात करें तो अभी तक बल्ला ना चला, लेकिन गेंदबाजी काफी ज्यादा बढ़िया कर रहे हैं। ओवेस पिनार की बात करें तो ओवेस पिनार बल्लेबाजी के साथ साथ ना गेंदबाजी भी बहुत ज्यादा अच्छी करी। वहीं अगर हम यहाँ पे हरभजन सिंह कप्तान की बात करें तो पहले मैच में इनकी भी गेंदबाजी ना चली, टाइम टाइम फिश नजर आए। राहुल शर्मा भी कुछ खास गेंदबाजी ना कर पाए, इनकी भी पिटाई चल रही है, लेकिन कैल्विन सेवेज की बात करें तो ये बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट चटका रहे, किफायती हो रहे हैं। नजफ शाह और एस श्रीसंत की बात करें तो ये भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब एक आता विकेट तो मिल जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा इनकी भी पिटाई चल रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें मॉर्सेबिल यूनिटी की जो टीम है ना, ये थोड़ा सा आधी अधूरी नजर आ रही है, क्योंकि कुछ प्लेयर बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं और कुछ प्लेयर बढ़िया परफॉर्मेंस ना कर रहे हैं, तो कभी खुशी कभी गम जैसा है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे अटलांटा राइडर्स की बात करें तो जो इनकी भी परफॉर्मेंस है ना, वो कुछ खास नहीं है। अगर हम यहाँ पे रॉबिन उथप्पा लैंडन सिमंस की बात करें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी, लेकिन बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं कह सकते। ग्रांट इलियट इनके पास ठीक ठाक है, लेकिन देखने वाली बात है कि परफॉर्मेंस कम आएगी। हम्माद आजम की बात करें तो ये भी काफी बेहतर बैटर है, लेकिन अभी तक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस ये भी ना दे पाए। डोयन स्मिथ की बात कर ले तो कमाल के ऑलराउंडर है, जो बल्लेबाजी के साथ साथ बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा फायदा मिलेगा आने वाले मैचों में अटलांटा राइडर को। चतुरंगा डिसिल्वा की बात करें तो देखने वाली बात होगी कब ये फॉर्म में आएंगे, कब इनका बल्ला और गेंद दोनों चलेगा। बाकी इनकी गेंदबाजी की बात करें तो फरहाद रजा ठीक ठाक गेंदबाजी करी, हैमिल्टन मशक ज्यादा भी ठीक ठाक गेंदबाजी करी, लेकिन इलियास सनी की बात करें ये थोड़ा सा स्ट्रगल करते नजर आए, थोड़ा सा महंगे साबित हुए। मोहम्मद इरफान की भी जो गेंदबाजी थी, मतलब विकेट तो निकाल लिया, लेकिन थोड़ा सा महंगे रहे। और कमरुल इस्लाम ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी करी। तो अगर हम यहाँ पे अटलांटा राइडर्स की बात करें तो इनकी भी जो परफॉर्मेंस है ना, वो आधी अधूरी कहानी है, मतलब कुछ प्लेयर बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कुछ प्लेयर बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों टीमें एक जैसी हैं, जब एक जैसी टीमें आमने सामने होती है तो जो मैच होता है काफी ज्यादा टक्कर का होता था। भैया आज का मैच कौन सी टीम करेगी अपने नाम, चलो जान लेते हैं। बस उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है ना मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूं, आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूं, तो भाई का सपोर्ट जरूर करें। करना क्या है, कुछ भी नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो भाई लोग सारी एनालिसिस करने के बाद अगर हम इस मैच की बात करें, ये जो मैच है ना, मुझे तो बराबरी पे नजर आ रहा है, 50 मॉर्सेबिल यूनिट एंड 50 अटलांटा राइडर्स। लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे ऐसा लगता है जो मैच है ना, अटलांटा राइडर्स अपने नाम पे कर सकता है, लेकिन साथ में मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो फाइनल प्रेडिक्शन है वो टेलीग्राम पे मिलेगी। और आपको ये भी पता है ना, यूएस मास्टर टी10 के अलावा CPL चल रहा, द 100 मेन एंड वुमेन कंपटीशन चल रही है, तो इन सभी मैचों की जबरदस्त प्रेडिक्शन कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी। तो जरूर ज्वाइन करें, बस फेक से बचे, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिया गया, इसलिए इधर उधर और कैसे ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है, वहाँ पर जो लिंक मिलेगी, बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।